नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 5 जुलाई 2018। स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। देखो, 1 जुलाई 2016 को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा तेजस एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल किया गया था 45 स्क्वाड्रन के तौर पर। उस समय इस स्क्वाड्रन को नाम दिया गया था फ्लाइंग डैगर्स। नीचे देखिए, फ्लाइंग डैगर्स नाम दिया गया था एयरफोर्स के द्वारा तेजस एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन को। उस समय सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट शामिल थे तेजस की स्क्वाड्रन में, लेकिन अब 9 एयरक्राफ्ट शामिल हो चुके हैं। अभी एक बार फिर से तेजस एयरक्राफ्ट सुर्खियों में इसलिए आया है क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशंस तेजस एयरक्राफ्ट के द्वारा स्टार्ट कर दिए गए हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में सुलूर एयरफोर्स स्टेशन है, वहां से उड़ान भरी तेजस एयरक्राफ्ट ने, और उड़ान भरने के साथ ही फॉर्मल ऑपरेशंस स्टार्ट हो गए तेजस एयरक्राफ्ट के। हम डिस्कस करते हैं तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी। तेजस फर्स्ट एडवांस्ड फ्लाई बाय वायर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अच्छा, आपको यह पता है फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसके बारे में आपको बताता हूँ। पुराने समय में क्या होता था, एयरक्राफ्ट में जो पायलट होते थे वो मैनुअली सब कुछ मैनेज करते थे। पायलट के सामने बड़े बड़े हैंडल्स हुआ करते थे, यानी पुली हुआ करती थी, केबल्स हुआ करती थी। अगर एयरक्राफ्ट को लेफ्ट की ओर मोड़ना होता तो पुली यानी हैंडल को लेफ्ट की तरफ मोड़ो, अगर राइट की तरफ मोड़ना होता एयरक्राफ्ट को, पुली को यानी हैंडल को राइट की तरफ मोड़ो और केबल्स को जोड़ो ऑपरेशंस चलाने के लिए। तो इससे पायलट को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था और कई बार गलतियां भी हो जाती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, पायलट के सामने पहले होगा कंट्रोल स्टिक, यानी पायलट के सामने बटन्स होंगे जिनकी सहायता से पायलट एयरक्राफ्ट को उड़ाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर होगा और कंप्यूटर के बाद होगा एयरक्राफ्ट का कंट्रोल सरफेस। यानी कि एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सरफेस और पायलट के सामने जो कंट्रोल पैनल है उनके बीच एक कंप्यूटर होगा। अब पायलट इंस्ट्रक्शंस देगा, पायलट के सामने जो बटन लगे हैं उनको दबाएगा, बाद में वो सिग्नल जाएगा कंप्यूटर के पास और कंप्यूटर सिग्नल समझेगा कि पायलट ने क्या सिग्नल दिया है। उसके बाद कंप्यूटर वो सिग्नल भेजेगा एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सरफेस के बाद। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एयरक्राफ्ट को लेफ्ट की तरफ मोड़ने के लिए पायलट ने अपनी इंस्ट्रक्शंस दी यहाँ पर कंट्रोल पैनल पे। उसके बाद कंप्यूटर के पास सिग्नल जाएगा, कंप्यूटर समझेगा कि अच्छा पायलट ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं लेफ्ट की तरफ मुड़ने के लिए, तो कंप्यूटर उन्हीं सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजेगा एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सरफेस के पास, ये बताने के लिए कि एयरक्राफ्ट को कहां पर किस डायरेक्शन में मुड़ना है। कई एयरक्राफ्ट तो देखो ऐसे भी हैं जहां पर कंप्यूटर जो है वो भी ज़्यादा स्मार्ट है पायलट से। मतलब अगर पायलट के द्वारा कोई गलती की जाती है तो कंप्यूटर मैसेज शो करेगा कि आप इस डायरेक्शन में नहीं उड़ सकते, इस डायरेक्शन में ऑब्स्टेकल है या फिर वेदर खराब है। इस प्रकार की चीज़ें कंप्यूटर के द्वारा भी बताई जा सकती है पायलट को, ताकि पायलट अच्छे से डिसीजन ले सके। तो याद रखिएगा, फ्लाई बाय वायर जो सिस्टम है उसमें अब पायलट को मैनुअली बहुत कुछ नहीं पढ़ना पड़ता। जैसे पहले केबल्स को, बड़ी बड़ी केबल्स को आपस में जोड़ना पड़ता था, पुलीज को घुमाना पड़ता था ताकि एयरक्राफ्ट को डायरेक्शन दी जा सके, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सरफेस और पायलट के पास जो कंट्रोल होता है दोनों के बीच एक कंप्यूटर होता है, तो चीज़ें आसान हो गई हैं। और चीज़ें डिस्कस करें तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में, इसे डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा, HAL के द्वारा। स्वदेशी है, हमने ही इसे डेवलप किया है। लाइट वेट है, सिंगल सीट है, मल्टी रोल जेट फाइटर है, यानी कई सारे रोल्स में यूज़ किया जा सकता है, काफ़ी हल्का है और एक ही सीट है। इसके अलावा एक ही इंजन है, सुपरसोनिक फाइटर है। सुपरसोनिक स्पीड वो स्पीड होती है जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है, तो उसे सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। और देखो, विश्वास ये भी किया गया है कि तेजस एयरक्राफ्ट वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट सुपरसोनिक फाइटर है। नीचे की डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पहला स्वदेशी फाइटर नहीं है जिसे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इंडक्ट किया गया है और अलग से स्क्वाड्रन बनाई गई है। उससे पहले भी अप्रैल 1967 में HAF-24 मारूत फाइटर, इसको भी इंडक्ट किया गया था। ये भी स्वदेशी था, मतलब इंडिया में ही डिज़ाइन और डेवलप किया गया था इस फाइटर को, और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसे इंडक्ट किया गया था और अलग से स्क्वाड्रन बनाई गई थी ऑपरेशंस चलाने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है अगर UPSC पूछती है तो। आगे तो ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है, डिजिटल कंप्यूटर अटैक सिस्टम है, ऑटो पायलट मोड है, एयर टू एयर मिसाइल्स का यूज़ किया जा सकता है इस एयरक्राफ्ट की सहायता से, बॉम्ब को कैरी किया जा सकता है,
सिंपल इन्फॉर्मेशन है, रेंज जो है वो 400 किलोमीटर के आसपास है और क्लोज एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस चलाने के लिए इस एयरक्राफ्ट का यूज ज़्यादा किया जाएगा। मान लीजिए हवा में है तेजस एयरक्राफ्ट और ज़मीन पर वार करना है, तो इस एक्टिविटी के लिए यूज ज़्यादा किया जाएगा तेजस एयरक्राफ्ट का। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल सी विजिल एप्लीकेशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। अगर देखो किसी स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और वहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है, तो सिटीजन उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की कंप्लेंट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस एप्लीकेशन की सहायता से, जिसका नाम है सी विजिल। इस एप्लीकेशन में ऐसे प्रोविजंस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस या फिर प्री रिकॉर्डेड इमेजेस को सेंड नहीं किया जा सकता इस एप्लीकेशन की सहायता से, लेकिन लाइव इमेजेस को सेंड किया जा सकता है इस एप्लीकेशन की सहायता से इलेक्शन कमीशन को। और देखो ये एप्लीकेशन सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में काम करेंगी जहां पर इलेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल इस साल के अंत में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम में इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, तो वहां पर ये एप्लीकेशन एक्टिव हो जाएगी। और जैसे ही इन स्टेट्स में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, यानी चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद इन स्टेट्स में ये एप्लीकेशन काम करना बंद कर देगी, यानी इनएक्टिव हो जाएगी। तो याद रखिएगा सी विजिल एप्लीकेशन के बारे में, जिसे डेवलप किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ताकि सिटीजन्स भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन को सूचित कर सकें इलेक्शन कमीशन को। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल फर्स्ट ग्लोबल मोबिलिटी समिट के बारे में है। मोबिलिटी का क्या मतलब है? मोबिलिटी का मतलब है विचलता। जब देखो कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु, कोई ह्यूमन बींग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, मूवमेंट होती है किसी चीज़ की, चाहे वो किसी ह्यूमन बींग की हो, किसी प्रोडक्ट की हो, तो वो कहलाती है उस चीज़ की या फिर उस ह्यूमन बींग की मोबिलिटी। तो फर्स्ट ग्लोबल मोबिलिटी समिट ऑर्गेनाइज किया जाएगा नीति आयोग के द्वारा, विभिन्न मिनिस्ट्रीज की कोलाबोरेशन के साथ, और विभिन्न इंडस्ट्रियल पार्टनर्स भी कोलाबोरेट करेंगे इस फर्स्ट ग्लोबल मोबिलिटी समिट को ऑर्गेनाइज करने में। नाम होगा मूव ग्लोबल मोबिलिटी समिट। इसे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा 7 और 8 सितंबर 2018 में। इसी साल 7 और 8 सितंबर को इस फर्स्ट ग्लोबल मोबिलिटी समिट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। समिट हेल्प करेगा गवर्नमेंट के जो गोल्स हैं, जैसे व्हीकल्स इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, जॉब ग्रोथ, इन सब चीज़ों पे फोकस करेगा ये फर्स्ट ग्लोबल मोबिलिटी समिट। और इंडिया के जो एफर्ट्स हैं कि इंडिया की अर्थव्यवस्था को, इंडिया की इकोनॉमी को क्लीन एनर्जी इकोनॉमी की तरफ ले जाया जाए, उन एफर्ट्स को भी बूस्ट करेगा ये फर्स्ट ग्लोबल मोबिलिटी समिट। इस समिट में विभिन्न देशों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स, विभिन्न बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज के सीईओज आएंगे और ऑटोमेटिव सॉल्यूशंस प्रेजेंट करेंगे, लॉजिस्टिक्स सेक्टर से संबंधित भी सॉल्यूशंस प्रेजेंट करेंगे। चर्चाएं होंगी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को किस प्रकार से ईज डाउन किया जा सकता है, और इस समिट से हमारी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मोबिलिटी भी इवोल्व होगी। अभी फिलहाल मोबिलिटी के लिए हमारी जो स्ट्रेटजी है कुछ खास नहीं है, लेकिन जब एक बार ये समिट ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिलेगा और हमारी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोबिलिटी भी इवोल्व होगी। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? उरुग्वे के मेजर जनरल जोस इलाडियो एलकेन को इस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान का हेड बनाया गया है। काम क्या है इस यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान का? देखो आपको पता होगा कि जैसे ही दोनों देश आज़ाद होते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर को लेकर लड़ाई हो जाती है दोनों देशों के बीच, बाद में सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो जाता है। तो सीज फायर एग्रीमेंट के लिए ही इस यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस ग्रुप को डिप्लॉय किया गया था जनवरी 1949 में, ताकि सीज फायर जो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच उसे इंप्लीमेंट किया जा सके अच्छे से। तो यही काम है इस यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान का, कि सीज फायर को ऑब्जर्व करना। कहाँ पे है ये ग्रुप? ये ग्रुप बेस्ड है रावलपिंडी पाकिस्तान में। इस ग्रुप में 43 मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं एंड 23 इंटरनेशनल सिविलियन पर्सनल हैं। और अब उरुग्वे के मेजर जनरल जोस इलाडियो एलकेन को इस ग्रुप का हेड बनाया गया है यूएन के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल ब्रू कम्युनिटी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ त्रिपुरा और मिजोरम के बीच एक समझौता साइन हुआ है ब्रू कम्युनिटी को लेके। पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। देखो ब्रू कम्युनिटी, जिसे नॉर्थ ईस्ट में रियंगस के नाम से भी जाना जाता है, ब्रू कम्युनिटी के लोग रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, असम में, त्रिपुरा में, मिजोरम में और मणिपुर में। ब्रू मिलिटेंसी जो है वो एक रिएक्टिव मिलिटेंसी है। हुआ क्या था, मिड 90s में, यानी 1995 के आसपास
मिजोरम में कुछ नेशनलिस्ट ग्रुप्स ने ये मांग करनी स्टार्ट की कि ब्रू कमेटी के लोगों का नाम नहीं होना चाहिए मिजोरम के इलेक्ट्रल रोल्स में। मिजो नेशनलिस्ट ग्रुप्स का ये कहना था कि ब्रू कमेटी के जो लोग हैं वो लोकली मिजोरम के रहने वाले नहीं हैं, वो बाहर से आके बसे हैं मिजोरम में, तो इस वजह से ब्रू कमेटी के लोगों के खिलाफ नफरत का माहौल बना। लेकिन 1997 में क्या हुआ, 1997 में डैम्पा टाइगर रिजर्व है वहाँ पर मिजोरम में, वहाँ पर एक फॉरेस्ट गार्ड की हत्या हो गई थी। आरोप लगा कि ब्रू मिलिटेंट ग्रुप्स ने उस फॉरेस्ट गार्ड की हत्या की थी। उसके बाद मिजो नेशनलिस्ट ग्रुप्स ने एक प्रकार से बदला लेने के लिए ब्रू कमेटी के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन की वजह से बहुत से ब्रू कमेटी के लोग मिजोरम से भाग गए, यानी मिजोरम से डिस्प्लेस होकर त्रिपुरा में रहने लगे, यहाँ से चले गए यहाँ पर। काफ़ी सारे जो सेल्टर्स कैंप्स बनाए गए थे, शरणार्थी कैंप बनाए गए थे, वहाँ पर ब्रू कमेटी के लोग रहने लगे। 1997 यानी 1997 की ये घटना है। उस घटना से लेके आज तक अभी भी ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास लोग और 5,500 फैमिलीज के आसपास जो परिवार हैं ब्रू कमेटी के, वो त्रिपुरा के शरणार्थी कैंपों में रहते हैं। अभी जो एग्रीमेंट साइन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट मिजोरम और त्रिपुरा गवर्नमेंट के बीच, उस एग्रीमेंट में ये कहा गया है कि वो ब्रू कमेटी के परिवार जो अभी फिलहाल त्रिपुरा के शरणार्थी कैंपों में रहते हैं वो वापस जाएंगे फिर से मिजोरम में, और ब्रू कमेटी के उन परिवारों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी। एक परिवार को दिए जाएंगे 4 लाख रुपए, इसके अलावा घर दिया जाएगा, 2 साल के लिए राशन फ्री दिया जाएगा, हर एक मंथ 5,000 रुपीज़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाएगी। तो अगर UPSC पूछती है कि ब्रू कमेटी कहाँ की रहने वाली है, क्या समझौता हुआ था, तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बेदीन खलम फेस्टिवल के बारे में है। आप एक बार स्क्रीन पर पिक्चर देख लीजिए। ये जो फेस्टिवल है नाम है बेदीन खलम फेस्टिवल। ये मेघालय का एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है। जुलाई के महीने में इसे सेलिब्रेट किया जाता है जयंतिया हिल्स में, अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी प्रॉपर्टी के लिए और अच्छी फसल के लिए। मेन जो तमाशा ऑर्गेनाइज होता है, इस तमाशे की हम बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज होता है एक छोटा सा टाउन है मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, शिलोंग से 64 किलोमीटर से दूर जोवई एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पर मेन तमाशा यानी स्पेक्टेकल ऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज कौन करता है बेदीन खलम फेस्टिवल को? नॉन क्रिश्चियन पनार पीपल, जो कि या तो ट्रेडिशनल फेथ न्यामत्रे में विश्वास रखते हैं या फिर वो लोग जो हिंदुइज्म में विश्वास रखते हैं वो इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इस फेस्टिवल को। तो अगर UPSC पूछती है कि बेदीन खलम फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, मेघालय में, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल कोआला बियर के बारे में है। स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हो ये तस्वीर है कोआला बियर की। अभी कंटेस्ट क्या है, कंटेस्ट देखो ये है कि एक इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट ने कोआला बियर के पूरे जीनोम की सिक्वेंसिंग कर दी है। कोआला बियर के बारे में हम इंफॉर्मेशन डिस्कस करें, ये पेड़ों पे रहते हैं और मैर्सुपियल हैं। मैर्सुपियल का मतलब होता है धानी प्राणी। मैर्सुपियल एनिमल्स देखो वो एनिमल्स होते हैं जो अपने पेट के आगे बनी एक थैली में अपने बच्चों को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंगारू के बारे में आपने सुना होगा कि कंगारू के पेट के आगे एक थैली होती है जिसमें वो बच्चों को रखते हैं, उसी प्रकार से जो कोआला बियर हैं उनके आगे भी एक थैली होती है, धानी होती है, उस थैली के अंदर ये बच्चों को रखते हैं। ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है मार्सुपियल एनिमल्स हैं। और कहाँ पर हैं ये? ये कॉन्सेंट्रेटेड हैं ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल इलाकों में। और कोआला बियर को देखो एक्सेप्शनल पेरेंटल केयर के लिए भी जाना जाता है, जैसा हमने डिस्कस किया कि अपने बच्चों को थैली में संभाल के रखते हैं, यानी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं बच्चों की, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल पेरेंटल केयर के लिए जाना जाता है कोआला बियर को। इसके अलावा इनकी और भी काफ़ी सारी स्ट्रेंज हैबिट्स हैं, जैसे चूंकि ये पेड़ों पर रहते हैं इसलिए यूकेलिप्टिस ट्रीज के पत्तों को खाते हैं। देखो अगर कोई दूसरा मैमल, ज़्यादातर जो मैमल्स हैं वो यूकेलिप्टिस ट्री के पत्तों को खाएंगे तो वो पत्ते दूसरे मैमल्स के लिए जहरीले साबित हो सकते हैं। मोस्ट मैमल्स की हम बात कर रहे हैं, मतलब ज़्यादातर मैमल्स यूकेलिप्टिस ट्री के पत्ते खाएंगे तो उनके लिए वो पत्ते जहरीले साबित हो सकते हैं, लेकिन कोआला बियर जो हैं वो यूकेलिप्टिस ट्री के पत्तों को खाते हैं। और देखो कोआला बियर का जन्म होता है 34 से 36 डेज के जेस्टेशन पीरियड के बाद, और जब जन्म होता है कोआला बियर का उस समय तो इम्यून सिस्टम भी डेवलप नहीं होता, इसलिए 6 महीने
तक जो कोआला बियर के बच्चे होते हैं वो पेट के आगे बनी थैली में ही गुजारते हैं और धीरे धीरे उनका इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कोआला बियर जो हैं वो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारी हमने इन्फॉर्मेशन डिस्कस की कोआला बियर के बारे में, चलते हैं आगे। ज्योग्राफिकल लोकेशंस की सीरीज में नेक्स्ट है तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर देखो दो रिवर से मिलकर बनी है, तुंग रिवर और भद्रा रिवर। दोनों रिवर तुंग रिवर और भद्रा रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं सेंट्रल सह्याद्री में, जगह है गंगामुला, ये जगह है कर्नाटक के चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ से दोनों रिवर्स तुंग रिवर और भद्रा रिवर ओरिजिनेट होती हैं और दोनों रिवर्स आपस में मिल जाती हैं कुडली के पास और एक रिवर बनती है जिसका नाम है तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर कृष्णा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है। यहाँ पे देखो कृष्णा रिवर के बारे में हमने डिस्कस किया था, कृष्णा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा रिवर। टोटल लेंथ जो है इस रिवर की वो है 561 किलोमीटर्स। यहाँ पर देखो 561 किलोमीटर्स लेंथ है, सॉरी 531 किलोमीटर्स लेंथ है, 531 किलोमीटर्स है। तुंगभद्रा रिवर फ्लो करती है कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से, शुरुआत में ओरिजिनेट होती है कर्नाटक से, बाद में कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर के अलोंग फ्लो करती है। रामायण के टाइम में तुंगभद्रा रिवर को पैंपा रिवर के नाम से भी जाना जाता था, जो आज के समय में जो काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है हम्पी, हम्पी का जो नाम पड़ा है वो पैंपा रिवर से ही पड़ा है। हम्पी तुंगभद्रा रिवर के किनारे पर है और जैसा हमने डिस्कस किया कि पुराने समय में तुंगभद्रा रिवर को पैंपा रिवर के नाम से जाना जाता था। बेसिन एरिया कितना है तुंगभद्रा रिवर का, बेसिन एरिया की बात करें तो है 71,417 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखो बेसिन एरिया इज इक्वल टू 71,417 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज गिवन है तुंगभद्रा रिवर की। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सबसे पहले तुंगा रिवर, उसके बाद कुमुदवाती, उसके बाद वरादा रिवर। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो भद्रा रिवर, वेदावती और हंद्री। अब हम बात करेंगे साइंस एंड टेक सीरीज की। साइंस एंड टेक सीरीज में हम ऑर्बिट्स डिस्कस कर रहे थे और ऑर्बिट से ही हम आज कंटिन्यू करेंगे। देखो हाइट्स के आधार पर कई तरह के ऑर्बिट्स हो सकते हैं, जैसे लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है वो 160 से यानी 160 से 2000 किलोमीटर की हाइट पर होता है और वो सैटेलाइट्स जो लो अर्थ ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर चक्कर काटते हैं उनकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास। तो ये सैटेलाइट्स ऑलमोस्ट 90 मिनट्स में अर्थ का चक्कर काट लेते हैं। अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आप यहाँ पर नीचे फोकस कीजिए। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स रखे जाते हैं उनकी स्पीड देखो 3 किलोमीटर पर सेकंड है, यानी स्पीड कम है एज कंपेरिजन टू वो सैटेलाइट्स जो लो अर्थ ऑर्बिट में रखे जाते हैं। ऐसा क्यों, उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ के चारों ओर ये एक सैटेलाइट का ऑर्बिट है, तो दो फोर्सेस लगती हैं, एक अंदर की ओर जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटी यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, और एक फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर लगती है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, इसी वजह से सैटेलाइट जो है वो अर्थ के ऑर्बिट में घूम पाता है। अब देखो लो अर्थ ऑर्बिट अर्थ से ऑलमोस्ट 160 से 2000 किलोमीटर की हाइट पे है, यानी अर्थ से जो डिस्टेंस है, अर्थ से जो हाइट है वो काफ़ी कम है। जितनी कम हाइट होगी अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए, यानी यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतनी ही ज़्यादा चाहिए, और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या, वो है वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी सैटेलाइट की तभी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको कैंसिल आउट कर पाएगा सैटेलाइट, अदरवाइज अर्थ की ओर नीचे गिर जाएगा अगर सैटेलाइट की वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होगी तो। समझ गए, तो अगर यूपीएससी पूछती है कि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट की वेलोसिटी ज़्यादा क्यों होती है, तो उसका रीज़न ये है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को कैंसिल आउट करने के लिए। दूसरे नंबर पर बारी आती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट की। मीडियम अर्थ ऑर्बिट देखो जब सैटेलाइट्स प्लेस किए जाते हैं अर्थ से 2000 किलोमीटर से लेके यानी 2000 किलोमीटर से लेके 35,786 किलोमीटर तक की हाइट में, तो वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहलाता है। और सबसे लास्ट में जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है
अगर सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाता है अर्थ से 35,786 किलोमीटर्स की हाइट पर, तो वो ऑर्बिट होगा जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट या फिर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। आप देखो एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज स्पेशल केस ऑफ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। मान लीजिए ये अर्थ है और यहां पे इक्वेटर के चारों ओर जो सैटेलाइट घूम रहा है वो है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। इसके अलावा अगर कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन है, मान लीजिए ये है यहां पे, मान लीजिए या फिर ये मान लीजिए यहां पे, देखो इंक्लिनेशन जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन है, तो वो होगा जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। ये नीचे लिखा भी हुआ है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में जो इंक्लिनेशन है वो जीरो नहीं होता, जबकि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में इंक्लिनेशन बिल्कुल जीरो होता है, यानी इक्वेटर के चारों ओर ऑर्बिट होता है वो होता है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, आप कह सकते हो कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज स्पेशल टाइप ऑफ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। अगर इंक्लिनेशन जीरो हो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का तो वो कहलाएगा जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। तो देखो मीडियम अर्थ ऑर्बिट की हम बात कर रहे थे, यहां पे सैटेलाइट की जो स्पीड होती है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड से लेकर 3 किलोमीटर पर सेकंड तक हो सकती है, सीधा सीधा हिसाब किताब है, क्योंकि रेंज जो है वो काफी ज्यादा है। अगर 2000 किलोमीटर की हाइट पर रखा गया है सैटेलाइट तो इसका मतलब उस समय स्पीड होगी 8 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन अगर जैसे जैसे हाइट आप इंक्रीज करते जा रहे हो सैटेलाइट की जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। एग्जाम्पल भी यहां पर दिया हुआ है जीपीएस का, 24 सैटेलाइट्स 6 प्लेन्स में रखे जाते हैं 20,200 किलोमीटर की हाइट पर। उसके बाद जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, हाइट होती है 35,786 किलोमीटर्स, यानी इतनी हाइट पर सैटेलाइट रखे जाते हैं स्पीड डेफिनेटली कम हो जाएगी 3 किलोमीटर पर सेकंड। नॉन जीरो इंक्लिनेशन के बारे में डिस्कस किया, और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स में ऑर्बिटल पीरियड होता है 24 घंटे, यानी जितने समय में अर्थ अपनी रोटेशन पे घूमती है उतने समय में सैटेलाइट अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। तो ये हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स के बारे में, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये टॉपिक। कल हम डिस्कस करेंगे पोलर ऑर्बिट्स के बारे में, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के बारे में, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लो अर्थ ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स रखने का क्या फायदा है और बाकी ऑर्बिट्स में सैटेलाइट रखने का क्या फायदा है, काफी कुछ चीजें और भी डिस्कस करेंगे हम कल ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सी विजिल एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया, हमने फर्स्ट ग्लोबल मोबिलिटी समिट के बारे में डिस्कस किया, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में डिस्कस किया, ब्रू कमेटी के बारे में डिस्कस किया जो डिस्प्लेस हो गई थी 1997 में और अब एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसके बाद हमने कोआला बियर के बारे में डिस्कस किया, ज्योग्राफिकल लोकेशंस में आज हमने तुंगभद्रा रिवर की बात की और ऑर्बिट्स को डिस्कस किया साइंस एंड टेक की सीरीज में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।